हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी सद्दाम कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरल ड्रा बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, ठीक है। इसको मैं 20 पार्ट में बनाऊंगा। आज ये मेरा पहला पार्ट है, इसमें मैं बेसिक जानकारी आपको दूंगा कि कोरल ड्रा में आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से उसमें पंपलेट पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, क्या क्या उसके टूल हैं, कौन कौन से उसके ऑप्शन आते हैं, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास पेन या कॉपी रख लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे वीडियो को देख देख करके सेम उसी तरीके से आप उसको अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से उसको आप सीख सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपने पीसी स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन में और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से कोरल ड्रा को यूज करते हैं। तो आपको उसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना है कोरल, इस तरीके से। जैसे कोरल हम टाइप करेंगे तो आपके सामने ऊपर में देखिए कोरल ड्रा का जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है वो आपको दिखने लगेगा। तो आप इसमें जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपका कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से यूज कर चुके हो तो आपको यहाँ टैप ऐप में आपको दिखेगा कोरल ड्रा, ठीक है। जिसमें जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपका कोरल ड्रा ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी ओपन कर चुका हूँ इसलिए मैं उसको ओपन नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आपका कोरल ड्रा ओपन हो चुका। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइल और यहाँ व्यू टूल विंडोज हेल्प इतना ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन जैसे इस पर हम एक न्यू पेज बनाएंगे तो यह हमारा मेन्यू बार चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होता है चलिए देखते हैं। ये हमारा न्यू का ऑप्शन है, इसमें जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ प्रीसेट आपको बहुत सारा ऑटोमेटिक बना बनाया भी मिलेगा। और यहाँ एक छोटा बटन दिख रहा है सेव, यानी आप जो भी बनाएंगे उसको एड में यानी सेव में जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा सेम प्रीसेट। और यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हो और यहाँ से आप क्या है कि साइज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इंचिस में, फीट में, अगर कोई पोस्टर बैनर अगर बना रहे हो तो, अगर बड़ा होल्डिंग बना रहे हो तो उसको फीट में रखिए, और फेसबुक वगैरह के लिए आप पोस्ट बना रहे हो तो उसको पिक्सल पे रखिए, ठीक है। फिलहाल मैं इंच पे बना रहा हूँ। और यहाँ देख लीजिए कि आपका पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है, आप जिस भी तरीके का बनाना चाहते हो उस पर आप क्लिक कीजिए। मैं अभी लैंडस्केप में बनाऊँगा। और यहाँ RGB कलर दिखा रहा है। अगर आपको डिजिटल प्रिंट में अभी आपको दिखाना है, यानी किसी मोबाइल पे भेजना है या TV पे दिखाना है, तो RGB सेलेक्ट रखिए। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप CMYK पे क्लिक रखना होगा आपको, और बाकी नीचे वाले को इसी तरीके इसी इनहेंस शेड मोड पे ही रहने देना है। और इसको क्या करना है, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। इसका मतलब है कि ये जो पॉपअप आपके सामने आया है, अगर इसमें जैसे ही एक बार क्लिक कर देते हो और ओके करते हो तो दोबारा आपको डायलॉग बॉक्स नहीं दिखेगा। तो फिलहाल मैं इसको अनचेक ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको इस डायलॉग बॉक्स का हर बार ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ सिंपल हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सीखते हैं। ये हमारा पिक टूल है। पिक टूल का मतलब आप समझ रहे हैं, पिक का मतलब उठाना होता है और टूल मतलब जानिए रहे हैं टूल, किसी भी तरीके का टूल, यानी ये पिक टूल है। टूल मतलब समान होता है, ठीक। तो इस पिक टूल और यहाँ रेक्टेंगल और यहाँ सर्कल से हम इलिप्स टूल की मदद से आपको पहले कोरल ड्रा को समझाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, मैं कुछ कुछ को आपको समझा देता हूँ अभी पहले में। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर में यहाँ जो है ये मेन्यू बार होता है, ठीक है। यहाँ पास आपको मेन्यू बार है, यहाँ पास फाइल वगैरह सब चीज़ दिखेगा आपको। यहाँ पर जैसे आप लेके जाएंगे माउस के कर्सर तो देखिए यहाँ पास दिख रहा है, तो ये हमारा मेन्यू बार है। और जो ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका ऑप्शन बार है। और यहाँ देखिए ये जो है ये टूल बार है, और यहाँ है ये कलर पैनल है, ठीक है। और नीचे जो है आप इसमें पेज बार है, यानी कि आप बहुत सारा इसमें पेज बना सकते हैं, यानी टास्क मैनेजर है आपका, यानी टास्क बार है, ठीक। और ये आपका जो है ये अंदर में ये स्क्रोल बार है और ये डाउन स्क्रोल बार है, ठीक। इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हो। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, और ये आपका लेफ्ट एंड राइट हो रहा है इससे।
ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इलिप्स टूल लूंगा और एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, और इसको एक कलर मैं दे दूंगा कुछ इस तरीके से पीले कलर में, और एक रेक्टेंगल भी मैं इस तरीके से इसमें ड्रॉ करूंगा और इसका कलर मैं दे दूंगा कुछ इस तरीके का। अब देखिए, अगर मेरे को इसको अगर मूव करना है तो इस इलिप्स टूल को, सॉरी पिक टूल को पकड़ेंगे और इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं इन दोनों को मूव करना, तो शिफ्ट के साथ में इस पे भी क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल जी जैसी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर अनग्रुप करना है तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ अनग्रुप और अनग्रुप ऑल दिया हुआ है, तो आपको इसमें अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वो ये आपका अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर इसको शॉर्टकट करने के लिए कंट्रोल प्लस यू भी अगर प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा कि ये अनग्रुप हो जाएगा इस तरीके से। और कंट्रोल इसको ग्रुप करने का तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ में जी जैसी प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में, तो दोनों देखिए ये हमारा मूव हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए मैं आपको नीचे देखिए, ये हमारा सेप टूल है, इसको क्या बोलते हैं सेप टूल। अब सेप टूल जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेप टूल में, तो ये हमारे देखिए जो भी ये हमारा रेक्टेंगल था इसके चारों कोना पे एक एक नोड बन गया है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको छोटा सा, इसको नोड बोलते हैं। ठीक है, ये नोड बन करके आपके सामने आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पास लेआउट या फिर अरेंज में आइए। अरेंज में आने के बाद आप देख लीजिए यहाँ कन्वर्ट टू कर्व लिखा है, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस क्यू। आप जैसी कंट्रोल प्लस क्यू अगर प्रेस करते हो इसमें तो ये आपका कर्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपके सामने यहाँ पास हैंडल दिखने लगेगा, यहाँ भी हैंडल दिखने लगेगा। अब इसको चाहो तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो, लेकिन अगर इसको अंदर में इस तरीके से पकड़ के अगर आप मूव करोगे तो इस तरीके से आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। आप इसको अलग अलग तरीके का शेप यहाँ से दे सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें एक और नोड हम ऐड करें, तो आप हमारा यहाँ पास देख सकते हैं प्लस और माइनस दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पास देखिए प्लस और माइनस दिया हुआ है। हम इसमें एक और नोड ऐड कर सकते हैं, तो इस नोड को ऐड करने के लिए यहाँ पास एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पास इसमें, और यहाँ प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नोड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं, तो हमारा इस तरीके का डिजाइन बनने लगेगा। यहाँ भी हम चाहें तो इसमें नोड को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से करेंगे और इसमें लेफ्ट बटन प्रेस करके, सॉरी राइट बटन प्रेस करके ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हमारा हो जाएगा। जो भी आपको डिजाइन बनाना है सिंपल सा इस तरीके से ऐड करके, या फिर टू कर्व कर दीजिए। टू कर्व करेंगे तो आपके सामने दो हैंडल मिलेगा, एक हैंडल ये देखिए, एक हैंडल आपके सामने ये देखिए मिल रहा है। तो आप चाहो तो अलग अलग तरीके का इसमें डिजाइन बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें आप लेफ्ट क्लिक करके यहाँ टू कर्व कर लीजिए और इसको आप इस तरीके से डिजाइन दे दीजिए। नीचे वाले को भी इस तरीके से सिलेक्ट करके राइट बटन प्रेस करके टू कर्व कीजिए, और इन दोनों को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके का आप शेप बना सकते हैं। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके का आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगर हमको इसको ब्रेक करना है, चलिए यानी कि हमको अब इसको ब्रेक करना है, बीच से ब्रेक करना है या फिर यहाँ से यहाँ ब्रेक करना है, तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन आता है। यहाँ देखिए नाइफ है, ये नाइफ, नाइफ में इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कटेगा। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा, एक बार बाहर क्लिक कीजिए और इस तरीके से इसको अलग अलग आप कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाइफ टूल का हमारे पास उपयोग क्या है, यहाँ जो दिया हुआ है नाइफ टूल। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करना है तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक बार अलग क्लिक कीजिए और ये अलग आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी इमेज को अगर आपको बीच से अगर ब्रेक करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप फाइल पे आइए और फाइल पे आने के बाद यहाँ ओपन पे क्लिक कीजिए, और जहाँ भी आप इमेज को रखे हैं आप वहाँ से आप अपने इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पास ले आइए। तो फिलहाल मैं यहाँ डाउनलोड पे जाता हूँ
और डाउनलोड पे जाने के बाद आपके हमारे सामने कुछ एक इमेज है। चलिए मैं ले आता हूँ इसी इमेज को, एक इमेज को ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे यह किसको ले लूँ, हाँ इसी को ले लेता हूँ। चलिए एक कोई है ये, सॉरी ये नहीं आएगा शायद, हाँ इसी को ओपन कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ से ये व्हाट्सएप वाला है, सॉरी व्हाट्सएप वाला है, व्हाट्सएप वाला इमेज यहाँ जल्दी से ओपन नहीं होता है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा कि दूसरा इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दूसरा इमेज मैं क्या करता हूँ कि किसी इमेज को ले लेता हूँ, या तो आप यहाँ से इमेज को ड्रैग करके भी ला सकते हो कुछ इस तरीके से। आप यहाँ कोरल ड्रा को ओपन कीजिए और यहाँ ला करके छोड़ोगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका इमेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अभी हम इस तरीके से नोड को ब्रेक करना चाहें, इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और इसको पकड़िए और यहाँ नोड आपको दिखेगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट में है। इसको हमको क्या करना होगा, यहाँ इसको क्या बोलते हैं बिटमैप, यानी कन्वर्ट टू बिटमैप जैसे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा अब इमेज कटना शुरू हो जाएगा। तो हम इस नाइफ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देंगे। तो और इसको अब हम अलग तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा इसका नेक्स्ट पेज यानी कि दूसरा पार्ट देखना ना भूलिएगा। मैं इसको 20 पार्ट में बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं होता है। एक बार में कोई भी चीज़ आप नहीं समझ सकते, जितना मैं आज बताया हूँ आप उसको करके देखिए तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, मिलते हैं फिर आपके सामने। तो अब तक के लिए नमस्कार।